दोस्तों, हार्ट्रोन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है। आप सभी उम्मीदवारों ने हार्ट्रोन में डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो सैलरी आपकी 18,000 रुपए रहने वाली है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं, कैटेगरी यानी आपका जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इससे पता चलता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए वैकेंसी कितनी है, पंचकुला और अंबाला, गुड़गांव, पलवल, जींद, यानी कि 5 जिले ऐसे हैं, 5 से 6 जिले जिसमें आपको ऑपरेटर यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर हार्ट्रोन वालों की तरफ से रखा जाएगा। टोटल वैकेंसी आपकी 100, 10, 20, 30, 40 यानी 140 टोटल पोस्ट हैं। सबसे पहले देखिए जो आपकी ये पोस्ट है हार्ट्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर की, आपकी जो 29 फरवरी 2024 से आपकी जो ऑनलाइन है, आप हार्ट्रोन की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना होगा, यानी ये लिंक आज से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 मार्च 2024 तक है, तो आपको इससे पहले पहले आपको ये पोस्ट फिलअप करनी होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको मैं आपको नीचे चलता हूँ लेकर और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, तो ये आप केयरफुली पढ़ सकते हैं जो इसके बारे में लिखा हुआ है। अब नीचे की तरफ चलते हैं और पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 1, 2, 3, 4, 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ये पोस्ट निकाली गई है, जहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर उम्मीदवार लगाए जाएंगे। सबसे पहले टोटल पोस्ट आपकी पंचकुला और चंडीगढ़ में 100 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 36 पोस्ट हैं और जनरल ESM जिनका कैटेगरी में आता है तो उनकी 7 पोस्ट हैं और EWS में 10 पोस्ट हैं, और इस तरह से आप और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, PWD में 4 पोस्ट हैं, टोटल आपकी 100 पोस्ट हैं। और अंबाला के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो उम्मीदवार चाहिए वो चाहिए 10 के अंदर जनरल की जो 4 पोस्टें हैं और जनरल ESM कैटेगरी की 1 पोस्ट है, और आप ये सभी देख सकते हैं और आप देखकर ही अपना जिला चूज करें। जिले वाइज आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट को फिलअप करना है ताकि आपकी कैटेगरी में उस जिले के अंदर पोस्ट हो। जैसे कि पंचकुला चंडीगढ़ में जितने भी पोस्ट हैं, 100 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, सभी कैटेगरी के अंदर पोस्ट हैं, तो अपना जिला देखकर और कैटेगरी वाइज देखकर आप अपना पोस्ट और लोकेशन फिलअप करना, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए ये सभी यहाँ पर आपको बताया गया है, और जो आपका वर्क है जो वो किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें आपको मंथली 18,000 रुपये प्लस जो भी कुछ मिलने वाला है आपको इसमें मिलेगा, मिनिमम आपका 18,000 रुपये रहेगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें, देखिए आपके यहाँ पर आपको मिलेगा OR लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि अगर आपने प्लस टू की है और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और या तो फिर आपकी ग्रेजुएशन हो या फिर आपका ओ लेवल का या फिर 1 ईयर का आपका कंप्यूटर कोर्स हो। उसके बाद अगर आपके पास ए ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है 3 ईयर डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम, यानी कि कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है BCA या फिर BSc, यानी आपने BCA में BSc में अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हो। आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है फिर आपको यहाँ पर दिया गया, अगर आपके पास दोनों नहीं है, आपकी अगर मैट्रिक्स है और मैट्रिक में यानी आपने 10वीं में 50% नंबर से अधिक लिए हैं, और साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, किससे किया हुआ है यहाँ पर लिखा ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तब भी आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हो हार्ट्रोन की वेबसाइट पर जाकर डाटा ऑपरेटर की। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पोस्ट कैसे फिलअप करनी है, बिल्कुल अपने मोबाइल फोन से घर बैठे लैपटॉप से। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास ये तीनों नहीं है और अगर आपने ITI की 10वीं के बाद ITI की हुई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स इन NCVT से की है विद आपके ITI के अंदर आपके 60% मार्क्स या फिर इससे ऊपर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये तो था आपका कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास ये नहीं है दूसरी क्वालिफिकेशन है, इसके साथ ये चारों जो क्वालिफिकेशन है इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी सेक्शन बनाया हुआ है कि डाटा पंचिंग स्पीड यानी कि आपकी 9000 की डिप्रेशन होनी चाहिए पर आवर के अंदर,
या फिर 150 की डिप्रेशन पर मिनट के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर आवर का नाम लिया, घंटे का नाम लिया गया है, यहाँ पर आपका मिनट का नाम लिया गया है, जिसके अंदर आपकी स्पीड, अगर मैं बात करूं वर्ड में, आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यानी आपको अच्छा खासा टाइपिंग करना आना चाहिए, क्योंकि डाटा इंटरप्रेटर है, आपको डाटा ही एंट्री करना होगा हार्ट्रॉन की तरफ से, जहां पर भी आप सभी को लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जितने भी आपको ये बताया गया कि पंचकुला चंडीगढ़ में 100 पोस्ट है, अम्बाला में 10 पोस्ट है, और गुरुग्राम में 10 पोस्ट है, पलवल में 10 पोस्ट है, और जींद में आपकी 10 पोस्ट है, तो इन्हीं सभी लोकेशन में आप सभी को ऑपरेटर लगाया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हार्ट्रॉन की मेम वेबसाइट पर आ जाओगे, वहां पर आपको इस तरह का एडवर्टाइज मिलेगा, और वहीं पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आपको क्लिक करके अपना फॉर्म घर बैठे आपको फिलअप करना है, जो कि बिल्कुल आसान है, आप पढ़े लिखे हो, बिल्कुल आराम से कर पाओगे। उसके अंदर आपको अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, और आपको अपनी जीमेल आईडी वगैरह देनी है। इसके अलावा आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है उसका सर्टिफिकेट आप फोटो खींचकर या फिर उसकी पीडीएफ बनाकर किसी भी एप्लीकेशन से वहां पर आपको सबमिट करना है। देन उसके बाद फीस आपको बताई जाएगी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 80 से 100 रुपए फीस है आपकी, किसी भी कैटेगरी से हो तो वहां पर कैटेगरी आपको बताया जाएगा, तो वो फीस आप अपने गूगल पे से, एटीएम कार्ड से या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, और फिर आपको बताया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपका छोटा सा एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके अंदर जनरल क्वेश्चन भी आएंगे, मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, रीजनिंग भी आएंगी। वो अगर आप पास आउट कर जाते हो तो आप हार्ट्रॉन की तरफ से डाटा इंटरप्रेटर में उम्मीदवार के तौर पर आपको लगाया जाएगा, और आपको 18,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में, ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो जॉब से रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो सरकारी जॉब हो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ,